अभी जस्सी बता रहे थे कि जो यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला आपके खिलाफ बयान दे रहे थे, हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे थे। अभी मैं रोहतक से आया तो वहां मुख्यमंत्री का बयान आया था मेरे खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष इनके उनका खिलाफ आया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी जो इनके पूर्व इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो तो आज मैं समझता हूँ कि उन्हें तो काफी लंबी चौड़ी बात। तो ये हर रोज जो मेरे को निशाने पे लेते हैं, मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़के लड़ाई लड़ी, इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। जैसे आप चिंता मत करो, मैं हर रोज अखबार में जब तक पूरी बीजेपी के बयान मेरे खिलाफ बढ़िया बयान नहीं पढ़ लूं तब तक मेरे को भी पूरी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जब ये बयान सारे इनके खिलाफ आते हैं तो पर नींद अच्छी आती है, ऐसा लगता है कि भाई आज मेहनत ठीक करी होगी तभी सारे जो है ना ये, तो इनकी चिंता नहीं।